हमको सिर्फ चार चीज याद रखनी है, एक्स वाई और यू और वी। बोट का स्पीड है एक्स, स्ट्रीम का स्पीड है वाई। जब ये सेम डायरेक्शन में होते हैं तो जिसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं, तो यू होता है एक्स प्लस वाई, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन चलते हैं तो वी होता है एक्स माइनस वाई। अब इसी पे हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जैसे यहाँ कह रहा है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 3 आवर, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 12, तो इस हमको स्ट्रीम की स्पीड बतानी है। देखो यहां से हमको ये पता चल गया 30/3, ये 10, जो ये 10 है ये हमारा आ गया स्पीड, और ये स्पीड बराबर है एक्स माइनस वाई के, क्योंकि ये अपस्ट्रीम है और एक्स हमको दे रखा है 12, तो इसका मतलब वाई होगा 2। तो इसका मतलब जो हमारी स्ट्रीम की स्पीड है वो आ गई 2। इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि एक जो बोट है वो 24 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम में इन 2 आवर। तो 24 डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 24/2 = 12, और डाउन स्ट्रीम में मतलब हमारा एक्स प्लस वाई, एंड टेक्स 3 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। देखो ट्वेंटी फोर बाई थ्री ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई अपस्ट्रीम। तो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, मतलब हमको वाई निकालना है, सॉरी हमको एक्स निकालना है बोट की स्पीड। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2x आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 20 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 10। देखो इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि जो बोट है वो 40 किलोमीटर 4 आवर में डाउन स्ट्रीम, तो 40 हमारा डिस्टेंस से 4 हमारा टाइम है, तो स्पीड हो जाएगा 10 डिवाइड करेंगे, और डाउन स्ट्रीम मतलब यू एक्स प्लस वाई, वाइल इट कवर द सेम डिस्टेंस इन 5 आवर अपस्ट्रीम। तो 40/5 हो जाएगा 8 अपस्ट्रीम में, मतलब एक्स माइनस वाई। व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट, मतलब वाई निकालना है इसमें हमको, तो ये 1 है ये 2 है, तो ऊपर वाले से नीचे वाला घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा, तो y=1। देखो इसमें क्या कह रहा है, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 15 दिया है, मतलब x दिया है 15, और स्पीड ऑफ करंट दिया है 5, y दिया है 5। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू गो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब v, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब 15-5=10। तो हमको डिस्टेंस दिया है 20, स्पीड है 10, तो हमारा टाइम आ गया 2 आवर। अ मैन कैन रो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर एंड टेक 7 आवर टू रो द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। देखो पहले डाउन स्ट्रीम 7x+y, फिर अपस्ट्रीम, अब मैं तुरंत तुरंत कर रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, 3x-y। 21 में 3 डिवाइड करेंगे तब 7 आया, 21 में 7 डिवाइड करेंगे 3 आया। फाइंड द स्पीड इन स्टील वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ऊपर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x आएगा, 10x=5, और y हो गया 2। मतलब अगर इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो हमको x मिल जाएगा, इन दोनों को घटा के आधा करेंगे तो हमको y मिल जाएगा। अ बोट टेक 4 आवर टू ट्रेवल 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब ये हो गया 10x-y, और 3 आवर टू ट्रेवल 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब ये हो जाएगा 20x+y। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो x हो जाएगा तो 15,
और स्ट्रीम इन दोनों को घटा कर आधा करेंगे तो स्ट्रीम आ जाएगा, मतलब 5। अ बोट कैन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब एक्स दिया है 15। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3, वाई दिया है 3, देन द टाइम टेकन बाई बोट टू गो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो 36 डाउन स्ट्रीम माने दोनों का एड 18, 18 दुनी 36, तो टाइम जो लगा 2 आवर। एक बोट है जो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 6 आवर। तो ये डी और ये यू लिख लो, मतलब 28 जाती है और 24 जाती है, टाइम कितना है 6 आवर। अगर वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 21 डाउनस्ट्रीम 6 आवर और 30 मिनट में जाती है, तो स्पीड ऑफ बोट हमको एक्स बताना है। देखो तो इसमें क्या करेंगे, हम ये जानते हैं 30 क्या होता है, 30 होता है 6 × 5, और 24 क्या होता है 6 × 4। तो ऊपर वाले से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो कट गया। तो ऊपर वाले में 5 से, नीचे वाले में 4 से। अब इसको जब ये ऊपर वाले में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 28 × 5 माइनस 21 × 4, ये हो जाएगा 30 माइनस 26, तो ये हो जाएगा 4, और इधर हो जाएगा 84, मतलब 6 56, मतलब ये डाउन स्ट्रीम आया। तो डाउन स्ट्रीम 56 जाने में उसको 4 लग रहा है, इसका मतलब क्या है, 56 जाने में 4 लग रहा है, तो एक जाने में उसको कितना लगेगा, 14, मतलब 1 आवर में, ये 4 आवर में 56 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम, तो 1 आवर में 14 किलोमीटर जाएगा, और 2 आवर में 28 किलोमीटर। तो हमको यहां से पता था कि 28 यहां पे है ना, देखो, और यहां पे कितना था 24, तो इस 28 के कारण 2 लग रहा होगा, तो जो बाकी 4 बचा, जैसे यहां 6 6 आवर था ना, तो इसमें 2 तो इस 28 की वजह से लग रहा है, तो जो वो 4 होगा उसको इस कवर करने में ये लगेगा, मतलब अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम यहां मैं लिख देता हूं सिंपल लैंग्वेज में, अप स्ट्रीम 24 किलोमीटर जाने में उसको 4 आवर लग रहा है, मतलब वी की वैल्यू क्या हो गई 6 किलोमीटर पर आवर, और ये वी क्या है, एक्स माइनस वाई 6। और यहां से अगर हमको यू निकालना है तो 28 मतलब वही 14 आ गया, यहां तो वैसे भी हमको पता था, तो 14 किलोमीटर पर आवर, और एक्स प्लस वाई होता है यू, 14। अगर हमको एक्स निकालना है ना बोट, तो एक्स क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो 20 10, तो बोट की स्पीड आ जाएगी 10। अ मैन कैन रो अ बोट इन 9 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, तो 9 दिया है। इफ द रिवर फ्लो इट, वाई दिया है 3, इट्स टेक हिम 3 आवर टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक, हाउ फार इज प्लेस, मतलब देखो यहां से हमको पता चल गया यू है 12 और वी है 6, तो वो कह रहा है कि कोई डिस्टेंस है वहां जाता है सेम डायरेक्ट, फिर लौट के आता है, तो उसको 3 आवर लगता है। तो इस डी की वैल्यू बता,
थ्री इंटू ट्वेल्व, थ्री से थ्री कट गया, डी की वैल्यू आ गई 12, मतलब डिस्टेंस 12 है। देखो इस प्रॉब्लम क्या है, एक बोट है जो अपस्ट्रीम जाता है, उसको 8 आवर लगता है कवर करने में डिस्टेंस, और सेम डिस्टेंस कवर करने में उसको 6 आवर लग रहा है डाउन स्ट्रीम में, ठीक। तो एक्स दे रखा है 10, वाई पूछ रहा है, तो हमें दे रखा है डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8, और दे रखा है डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। तो डी बराबर होगा 8 एक्स माइनस वाई बराबर 6 एक्स प्लस वाई, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो 8 10 माइनस वाई 6 10 प्लस वाई 80 माइनस 8 वाई 60 प्लस 6 वाई, तो ये वाला इधर गया, तो 20 बराबर हो गया 14 वाई। तो जो y की वैल्यू आई वो आई 20 बाई 40, 10 बाई 7।